पहले एक दंडभंगा नदी जहां पर नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का दंडे को तीन टुकड़ा कर दिए। महाप्रभु बोले देखो मेरा एक संगी था मेरा दंड, वो दंडक भी तुमने तोड़ दिए, अभी बताओ तुम लोग पहले जाओगे ना मैं पहले जाऊंगा, मैं तुम लोगों के साथ में और जाऊंगा नहीं, क्योंकि महाप्रभु को कुछ लीला करने का था। बताओ तुम पहले जाओ ना मैं आगे जाऊं। बोले प्रभु आप भी पहले चलो हम पीछे पीछे आते हैं। महाप्रभु जब आए जगन्नाथ जी को दर्शन किया, जगन्नाथ जी को दर्शन करते ही हम क्या क्या देखते हैं, इतने बड़े बड़े आंख हाथ नहीं प्यार नहीं, लेकिन महाप्रभु जब दर्शन किया उन्होंने क्या देखा, जैसे वृंदावन में सुंदर कदम का वृक्ष है और उसको नीचे कृष्ण खड़े होकर के मीठी मीठी बंसुरी बजा रहे हैं और महाप्रभु को बुला रहे हैं आओ इधर आओ। महाप्रभु देख कर तब पागल हो गए, महाप्रभु भगे उनको पकड़ने के लिए, इतने में पंडित लोगों ने देखा ये कहां से आ गया पागल सन्यासी, वो अंदर में घुसते जा रहे हैं पकड़ने के लिए। पंडितों ने उनको रोक लिया, जब रोक लिया वहीं पर महाप्रभु बेहोश होकर के वहीं पर गिर पड़े। इतने में महाप्रभु की इच्छा, ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य भी वहां पर थे, उन्होंने सारे ग्रंथों को पढ़े हुए, बहुत बड़े विद्वान, बृहस्पति समझो कितने बड़े विद्वान होंगे, और इसी जगत में भी बड़े बहुत बड़े, इनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। भट्टाचार्य बंगाल में जो ब्राह्मण लोग होते हैं, और सार्वभौम मतलब किया प्लस संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में सबसे बड़े जो विद्वान हैं उनसे बड़े विद्वान कोई हो ही नहीं सकते हैं। उनने सारे ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन किया था। अगर किसको हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होना, उसके 8 लक्षण हैं, बोले श्वेत अश्रु कंप वैवर्ण बेपथु स्तंभ, ऐसे उनमें 8 लक्षण हैं। केवल उन्होंने ग्रंथ में पढ़े थे लेकिन उन्होंने किसी को अंदर में ये सब चीज कभी देखे ही नहीं, लेकिन जीवन में पहला बार देखने का सौभाग्य उनको मिला। महाप्रभु का शरीर में एक साथ में कृष्ण प्रेम का सारे चिन्ह दिख रहा है। और नियम है जो साधारण जो जीव बद्ध जीव होता है ना, उनको शरीर में केवल एक ही लक्षण दिखेगा, 2 3 लक्षण दिखेगा, लेकिन उन्होंने देखा इनको शरीर में एक साथ में वो सारे चिन्ह प्रकट हो रहे थे। वो तो समझ गए भैया ये साधारण नहीं, पंडित लोग तो देख करके बोले मारो मारो पीटो पीटो कहाँ सन्यासी आ गया, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य वो पूरा मंदिर के पुरोहित है, इनके आदेश पर सारे काम होता है। उन्होंने बोले रुको जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उनको शरीर में हाथ मत लगाया करो। फिर उन्होंने रोक लिए और बोले इनको पकड़ करके चलो मेरे घर में ले आओ। तो उन्होंने लेकर के यहीं पर आए, जब यहीं पर आए तो यहाँ पर महाप्रभु के पीछे पीछे भक्त लोग आ रहे थे और उन्होंने पता लगाया कहाँ कहाँ पर एक सन्यासी आए कहाँ गए। बोले उनको तो पकड़ करके कुछ लोगों ने लेकर चले गए, वो तो यहाँ पर बेहोश होकर पड़ गए थे, फिर सारे के सारे यहीं पर आए और जोर जोर से यहीं पर हरि कीर्तन किया। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो जोर जोर से कीर्तन किया। महाप्रभु जो बेहोश हो गए थे ना, धीरे धीरे महाप्रभु का होश आया तो फिर इनको साथ में वार्तालाप हुई सार्वभौम भट्टाचार्य को साथ में, फिर पता चला उनके ये रिश्तेदार लगते हैं, उनका परिवार में ये रिश्तेदार लगते हैं, इसलिए महाप्रभु को जो उनको जो पिताजी के जो पिताजी थे ना ये सार्वभौम भट्टाचार्य, पिता के साथ में उनको मित्रता थी, उनको निकल करके आ गया उनका परिवार के कोई व्यक्ति, अगर किसी को पता चल जाए भाई परिवार के फिर तो ज्यादा संबंध हो जाता है। और महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण दोनों मिलकर के ये एक रूप, और कृष्ण कितने सुंदर है, और राधा रानी कितने सुंदरी है, अगर दोनों मिल जाए तो बताओ कितने सुंदर नहीं हो। इसलिए महाप्रभु बताए ना बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्जवल, करोड़ चंद्रमा को भी जीन करके कोटि कंदर्प रूप श्री महाप्रभु का, और उम्र कितना था बोले 26 साल के हैं, कितने सुंदर महाप्रभु थे हैं, इतने सुंदर। सार्वभौम भट्टाचार्य जब तब देखा इतने सुंदर और शरीर से ऐसे तेज निकल रहा था, इतने तेज निकल रहा था देखने में अपूर्व सुंदर, और उन्होंने पत्नी को छोड़ करके आए हैं विष्णु प्रिया को, 16 17 साल की उनकी पत्नी को छोड़ करके, इतने सुंदर। बोले तू इतने सुंदर देखने में
और फिर पत्नी को छोड़कर फिर तो सन्यास ले लिया। पता है सन्यासी क्या होता है? इतना आसान नहीं सन्यास लेना है। सन्यासी एकदम बुढ़ेपा में सन्यास लेते हैं, तो इतने एकदम जवानी तुम्हारे अंदर में, अभी तुमने सन्यास ले लिया, बताओ ये सन्यासी को तुम कैसे रखा कैसे करोगे? उनको तो पता नहीं ये स्वयं कृष्ण। मुन्ने बोले आप ही कृपा करो। बोले देखो तेरे को हम वेदांत सुनाता हूँ, वेदांत को सुनो। तो वेदांत को जब सुनोगे ना फिर पता चलता संसार कैसे माया झूठा है, हाँ? इसलिए तुम ये चीज को पहले समझ पाओगे फिर ये माया को तुम दूर कर सको। बोले ठीक है। यहीं पर उन्होंने उनको 7 दिन तक उन्होंने वेदांत सुनाया। वेदांत जानते हो क्या होता है? कहते वेद का अंत मतलब वेद का जो सार है वो छोटे छोटे सूत्र है, जैसे अथात ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जोनित्वात अनावृत शब्दात अनावृत शब्दात है, इसलिए जन्मा दस्य जत, ये इतने छोटे छोटे शब्द होता है। लेकिन छोटे छोटे शब्द है लेकिन उसका अंदर में ना इतने गहरा अर्थ रहता है, इतने गंभीर अर्थ उसका अंदर में रहता है वेदांत के अंदर में है। इसलिए बोले तू वेदांत सुनो। और उन्होंने शंकराचार्य का भाष्य है, उससे ये धुरंधर विद्वान थे, उन्होंने उसी भाष भगवान का रूप नहीं गुण नहीं वो निराकार निर्विशेष ज्योति है, लास्ट में ये सत्य को ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो बस ब्रह्म बन जाओ है। इसलिए उन्होंने तो उसको ऐसे ही व्याख्या कर रहे थे। 7 दिन तक जब कथा सुनाए, जैसे हम किसको कथा सुनाए ना सामने बैठे हो सिर हिला रहे हो हंस रहे हो ऐसे हो जाते हो कथा सुन करके है, लेकिन वो थे तो चुपचाप बैठे शरीर में कोई विकार नहीं। जब 7 दिन हो गया बोले तो कुछ हाँ हो ना कुछ बोल नहीं रहे हो, तू निर्विकार जैसे चुपचाप बैठे हो, मतलब क्या है? तेरे पल्ले में कुछ पड़ रहेगी नहीं? बोले देखो आप जो सूत्र बोलते हो ना इसका मतलब तो मैं समझ जाता हूँ, लेकिन जब आपको व्याख्या करते हो ऐसे लगता जैसे सूरज को जैसे मेघ ढक देता है ऐसे ही तुम उसको ढक दे रहे हो। शास्त्र का जो असली अर्थ को तुम नहीं बोल करके उसकी नकली अर्थ बोल रहे हो। बोले क्या मेरे को तो ऐसे बोल रहे? पृथ्वी में सबसे बड़े विद्वान उनसे जैसे बड़े विद्वान नहीं, बड़े बड़े सन्यास को सन्यास देने वाले हैं, बड़े बड़े सन्यास को जो सन्यास देने वाले बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति उनको जैसे, भले मैं मेरी व्याख्या व्याख्या क्यों करते हैं? कोई चीज को समझाने के लिए, जब समझ में नहीं आए उसको व्याख्या करते हैं। कहते तुम समझ रहे हो सूत्र को समझ रहे हो लेकिन तुमने उसकी मतलब को समझ नहीं रहे हो, तुम कैसे बता रहे हो? तो उल्टा ही बता रहे हो। तो बोले अगर आप बोलोगे तो मैं इसको थोड़ा व्याख्या कर सकता हूँ। तो भागवत में एक श्लोक है, क्या श्लोक है? कौन बोल रहे? हाँ पंडित जी देखो इनको बताए, इसलिए बता आत्मा रामस चमुनयो निर्गंथ अभि उरुक्रमे कुर्बन अहितुकिं भक्ति इतम भूत गुणारी। इसका मतलब होता है जो आत्मा में जो रमण करने वाले जो बड़े बड़े ज्ञानी अब बड़े बड़े योगी जो आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति, लेकिन जब भगवान की कथा सुनते हैं भगवान की कथा में इतने मीठा इतने मधुर कृष्ण कथा में इतने मधुर सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति वो ब्रह्म ध्यान में ब्रह्म में डूबे हुए थे, लेकिन जब कृष्ण कितने सुंदर है जब उन्होंने एक श्लोक सुनाना पागल होकर हो गए, वो एकदम ब्रह्म चिंतन में डूबे हुए थे। ब्रह्म तो निराकार निर्विशेष एक ज्योति रूप में ध्यान करते हैं, लेकिन हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर है, हाँ? अनंत कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम, इसलिए नमामि स्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम जसोदा वियलु खलाप धाममानम परामृष्ट मत्त द्रुत गोपिया। भगवान तो अद्भुत सुंदर है, इसलिए गोपिया कहती है श्याम सुंदर तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की। अच्छा हो गया तो लाला नहीं बन लाली नहीं बनकर तो लाला बने हो, नहीं तो दुनिया मर जाती तेरे पीछे, इतने कृष्ण सुंदर है। इसलिए जब उन्होंने जब ये श्लोक का मतलब होता है जो आत्मा में ब्रह्म में रमण करने वाले व्यक्ति भी जब भगवान की मधुरता की कथा सुनते हैं ना बोले कुर्बन अहितु की भक्ति इतम भूत गुणारी, हरि की मधुरिमा इतने हैं सारे आत्मा रामता को सारे ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके भगवान की प्रेम रस में डूब जाते हैं। इसी श्लोक के ऊपर में उन्होंने 9 तरह का व्याख्या किया, एक एक श्लोक को हाँ एक एक श्लोक को उन्होंने अलग 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 अर्थ किया 9 तरह का। जब उन्होंने 9 तरह का व्याख्या किया फिर उन्होंने बोले हैं फिर बोले
देखो मैं थोड़ी व्याख्या बोल सकता हूँ, महाप्रभु बोले मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, बोले बोल सकता उसको दे दो श्रीकांत फोन को कहो, बोले मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, बोले क्या मेरे ऊपर तो व्याख्या करोगे, बोले अगर आपका आदेश हो थोड़ा बोल सकता हूँ, बोले ठीक है बोलो। तो महाप्रभु ने उस श्लोक को व्याख्या किया, तो कितने तरह का व्याख्या किया, बोले 18 तरह का व्याख्या किया उन्होंने, 9 तरह का व्याख्या किया था, और उनको व्याख्या में कोई एक शब्द को उन्होंने टच नहीं किया, हाँ उन्होंने 18 तरह का एक श्लोक को बोले। भैर तो समझ गए भैया, इसी जगत में वो देव गुरु बृहस्पति, उनसे बड़े विद्वान पृथ्वी में कोई नहीं, अगर उनको ऊपर में भी इनकी कोई व्याख्या में कोई टच नहीं करे और उसका डबल कोई अर्थ कर दे, कहते भैया ये लगता है कोई साधारण व्यक्ति का अंदर में कभी इतने विद्वान हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने चरण में गिर गए, बोले आप बताओ आप है कौन, क्योंकि पहले हाँ उनका जो बहनोई थी ना, हाँ उन्होंने बताया था देखो ये जो महाप्रभु है ना ये साधारण नहीं, ये भगवान, बोले भगवान भगवान शास्त्र में बताया त्रिजुगी, भगवान तीन युग में आते हैं, सत्य त्रेता द्वापर में, चतुर्युग में कलियुग में कोई अवतार है ही नहीं, बोले क्यों नहीं अवतार है, बोले कलियुग में जो अवतार ये प्रच्छन्न अवतार भगवान छुप करके आएंगे, दूसरे दूसरे अवतार में भगवान साक्षात प्रकट होकर आते थे, इसलिए महाप्रभु जिस चीज को अपना रूप दिखाया ना, जैसे किसको किसको दिखाया, उन्होंने दिखाया श्री तैथिक विप्र को दिखाया अष्टभुज रूप में, और उन्होंने किसको दिखाया था पंडित जी को, केशव काश्मीरी को उन्होंने दर्शन करवाया, लेकिन उन्होंने क्या बोला, बोले खबरदार अगर तू किसको बोल दिया ना मैं भगवान तेरे काट गला काट दूंगा, इसलिए भगवान ने सबको मना किया, किसी को प्रकाश करने के लिए नहीं बताए उन्हें, उनको बोले सचमुच से ये भगवान है सचमुच से, नहीं तो साधारण जीव में इतने विद्वान कभी हो ही नहीं सकता। चरण में गिर पड़े, बोले प्रभु आप बताओ है कौन, तो महाप्रभु ने देखो वहां पर विग्रह वो सड़ हो जाए, तब भगवान महाप्रभु ये 6 हाथों में उन्होंने प्रकट किया, बोले देखो सत्य त्रेता युग में जो राम है मैं वही राम हूँ, द्वापर युग में उसमें धनुष बाण देखो दोनों हाथ में, बीच में बंसुरी है, हैं बोले द्वापर युग में जो कृष्ण मैं कृष्ण हूँ, और कलि युग में ये दंड और कमंडल संन्यास लेकर के जगत में ये प्रेम भक्ति प्रचार करने के लिए आया हूँ। फिर तो महाप्रभु के चरण में गिर पड़े, 100 श्लोक में उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने स्तुति की। जो पहला श्लोक है, क्या श्लोक है पहला श्लोक क्या है बोलो, बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिज तमहम प्रपति, पहला श्लोक ऐसे उन्होंने 100 श्लोक में उन्होंने उनकी स्तुति की। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, कलियुग में स्वयं भगवान अपना वैराग्य विद्या है, महाप्रभु भक्त जो तो वैराग्य प्रधान, इसलिए महाप्रभु गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी सब राजा राजा घर के लोग के लड़के, साधारण घर के लड़के नहीं, लेकिन उन लोगों ने सब छोड़ करके एकदम एक कौपिन धारण कर लिया और एक छोटी गले में गलबहनिया दे करके और हाथ में कमंडल एक कंबल लेकर के बाद जिंदगी भर ऐसे इसी वृक्ष को नीचे एक दिन उसी वृक्ष में इसलिए जिन्होंने वैराग विद्या और वैराग मतलब विशेष पूर्वक ठाकुर जी के चरण में अनुराग है, निज भक्ति को शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण उन्होंने श्री महाप्रभु का रूप में संन्यास रूप में आए हैं। बोले प्रभु ऐसे जब महाप्रभु उनके चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। फिर तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य बोले प्रभु मैं पहले कौआ था, कौआ जैसे का 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 करते रहता ना, ऐसे भगवान को ब्रह्म निराकार बोलता था, आप तो कौआ को कोयल बना दिया है। कौआ क्या खाता है, बोले नीम फल खाता है कड़वा है, और कोयल क्या खाता है, कहते बड़े सुंदर आम का जो फूल का जो मधु है ना शहद को उसको हाँ शहद को उत लेता है, उसी तरह पहले मैं तो कौआ था मेरे को गरुड़, नहीं तो मेरे को अपने कोयल बना करके भगवान के प्रेम रस में हमें डुबो दिया है, हैं? फिर तो उन्होंने महाप्रभु का इतना बड़ा भक्त इतना बड़ा हाँ एक कथा सुन लो ध्यान देख सुनो, यहीं पर महाप्रभु जब रहते थे इनकी एक घर जामाई दामाद था, घर दामाद समझ तो क्या बोलते हैं, घर जामाई था महा, उनको पता ही भगवान है। एक दिन महाप्रभु को इन्होंने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज मेरे घर में आपका प्रसाद है, जानते ही भगवान है इतने तरह तरह का बनाया था,
जैसे आपका देश में ना कोई दाल सब्जी नहीं तो थोड़ी भाजी बना दिया, लेकिन बंगाल में ऐसे नहीं, वो कितने तरह का भाजी, कितने तरह का साग, कितने तरह का दाल एक साथ में बनाते जब भगवान को भोग लगाते हैं, इतनी तरह तरह का बनाया, इतने बढ़िया बढ़िया चकाचक उन्होंने भोजन बनाया और महाप्रभु का निमंत्रण देंगे। अरे तो घर जमाई अगर हो वो क्या चाहते हैं, घर जमाई को पता होगा कितने उनका आदर करते हैं। उन्होंने बोले मैं घर का जमाई हूँ, मेरे लिए इतना नहीं, आज ये सन्यास के लिए इतने तरह तरह का सबर एक दिन पहले से जो व्यवस्था कर रहे थे। जैसे आप घर में अगर कोई किसको निमंत्रण दोगे, एक दो दिन पहले क्या क्या बढ़िया बढ़िया बनाएंगे, ये सब्जी वो सब्जी, दो तीन दिन से व्यवस्था कर रहे थे और देखा ये सवेरे से उठकर दोपहर तक भाजी दाल चटनी और क्या क्या बना रहे, उसके मंत्र खिलबिल मच रहा था। मैं घर जमाई मेरे लिए इतना आदर नहीं, और ये सन्यासी आएगा इसको खिलाने के लिए, और ये दो तीन दिन से संग्रह कर रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगाया और जब महाप्रभु को खिलाने के लिए घर में बुलाया दरवाजा करके, उसको पता ये बड़ा ईर्ष्यालु आदमी, बड़े इनका अंदर में बड़े ईर्ष्या द्वेष है, जैसे ये घर में फटक नहीं, लेकिन वो छटपट छटपट कर रहा था, मैं देखने तो क्या क्या खा रहा है, वो छटपट छटपट कर रहा था और उनको जान बुझ करके वो दूर में रख रहे थे। जब महाप्रभु को बैठाने के लिए भोजन खिलाने के लिए बैठे ना, वो तो इधर उधर भटक रहा था, देखो देखो, हटात घर में घुसकर देखा, बोले बाबा रे सन्यासी इतने खाता है, बस जब इतना बोल दिया महाप्रभु सुन लिया, सार्वभौम भट्टाचार्य जो उसकी पत्नी जब सुन लिया, उनको इतने धिकार लगा, उसे सार्वभौम भट्टाचार्य ना उसको घर दामाद जमाई को अभिशाप दिया, बोले साठी तो रांडी हो जा, रांडी मतलब विधवा बन जाए, ऐसे दामाद की कोई जरूरत नहीं, जो भगवान की भोजन को देख कर जिसके मन में ईर्ष्या और द्वेष हो ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं, वो तो साधारण व्यक्ति है नहीं। उन्हें जब अभिशाप दिया ना, सचमुच उसको हो गया कलेरा, बस कलेरा हो गया तो डायरिया हो गया, बस उसी में ही राम नाम सत्य हो गया, जब मर गया। इतने में वो लोग महाप्रभु चरण में माफी मांगे, बोले प्रभु मेरे दामाद दुष्ट है, अच्छा हो गया, मर गया, इस दामाद की जरूरत नहीं। जब भगवान के भोजन को देखकर ईर्ष्या करे, लेकिन महाप्रभु तो बड़े दयालु, बोले चलो मैं चलता हूँ, महाप्रभु आए आकर के ना, वो तो एकदम ऐसे एकदम बेहोश होकर पड़ा हो तो मर गया था, महाप्रभु आकर के उसको छाती के ऊपर हाथ धर दिया, हाथ धरते उसने दोबारा जिंदा हो गया, जिंदा हो गए। इतने में महाप्रभु ने बोला देखो तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का जो हृदय में है ना, किसी तरह का ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं रखनी चाहिए, ब्राह्मण का हृदय तो पवित्र होता है, तुमने पवित्र हृदय में ये ईर्ष्या रूपी चंडालिनी को तुमने क्यों बैठाया, ये गंदी बात है, उठो, सचमुच से जो बोले है ना, जो मर गया था, फिर महाप्रभु जिंदा कर दी, उन्हें दोबारा जिंदा हो गए। जब जिंदा हो गए फिर महाप्रभु को कृपा से फिर उन्होंने महाप्रभु का परम भक्त बन गए। वो जो लीला है ना, यहीं पर ही उन्होंने ये लीला को उन्होंने यहीं पर उन्होंने ये लीला की थी, यहीं पर महाप्रभु ने कितने तरह तरह का महाप्रभु ने यहाँ पर लीला की, इसलिए ये स्थली जितने सारे महाप्रभु का परिकर थे और भगवान महाप्रभु का सारे लीला स्थली और उनका चरण का धूल ऐसे ना ये स्थान अभिषिक्त है, सबके सब यहाँ प्रणाम करो, यहाँ का चरण धूल लगाओ और मांगो महाप्रभु का चरण में, उनका भक्तों को चरण में, जैसे महाप्रभु के चरण में हमारी भक्ति हो, प्रेम हो, ठीक है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि।